हेलो फ्रेंड्स, लेट्स आदर डिस्कस ऑफ एनटीए मॉक टेस्ट। हालांकि जो चैप्टर वाइज एनटीए ने डाल रखे हैं, हालांकि अब तक पाँच जिसमें से हम फोर ऑलरेडी करवा चुके हैं। और अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। आप लोग थोड़ा बेयर करना क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सही नहीं आएगी बिकॉज आई हैव थ्रॉट इन्फेक्शंस। Which of the following statement is incorrect? The presence of non-respiratory air sacs increase the efficiency of respiration in birds. This is right. B. In insects, circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissue. It is only food and some minerals distribute in different body parts. Foods and different nutrients were next question. Look at question number 2. Identify the correct statement with the reference to the transport of respiratory gases by blood. Okay. Hemoglobin is necessary for transport of carbon dioxide and carbonic anhydride for transport of oxygen. No. Hemoglobin is necessary for the transport of oxygen and carbonic anhydrase for transport of carbon dioxide. This is correct. Explanation दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3. Although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because it is absorbed by the leukocytes. Blood buffers play an important role in CO2 transport. This is correct. हाँ, कि ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। Question number 4. People living at sea level have around 5 million RBC okay per cubic millimeter of their blood, whereas those living at an altitude of 5400 meters have around 8 million. पहले 5 million फिर 8 million. This is because at high altitude, यानी 5 million से 8 million हुआ जब high altitude पे हम गए। तो इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक CO2 O2 लेवल इज लेस, यानी कि जब हम हाई लेवल पे ऊँचे काफ़ी जब ऊँचे जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन रेट होती है वो घट जाती है। हेंस द मोर RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हालांकि एक साथ देखो और तो आपने देखा होगा कि चेहरा रेडिश बॉडी यानी कि रेडिश कलर की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन्स रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली? स्प्लीन हालांकि इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6. द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी एक्सपायरेटरी यानी कि 1000 से 1100 मिलीलीटर। आई विल जस्ट कंफर्म अबाउट पार्ट, इसमें एक्सपायरेटरी, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is true for CO2 concentration? CO2 concentration more in alveolar air than expired air. This is correct. During an attack of asthma, there is hypoxia. Hypoxia means due to deficiency of oxygen in our body. हालांकि ये
डायरेक्ट दिया हुआ है और इस पर हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अस्थमा, अस्थमा में होता क्या है कि इस अस्थमा इज़ अ डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग, मतलब सिट्टी बजती है जैसे गले में, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती जिसके कारण अस्थमा की कंडीशन दिखाई देती। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ऑब्लिक CO2 एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड? कैपिलरी, एल्वियोलाई, डायरेक्ट बोला है, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इन्वॉल्व, एल्वियोलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स आर लाइंड बाई एस्क्वामस एपिथेलियम। डायरेक्ट एनसीईआरटी में फिगर दिया है, उसमें भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, मस्कुलर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस, नो, नॉन ऑफ दिस। एक वॉलंटरी प्रोसेस है, होल्ड द ब्रीथ फॉर द सम टाइम्स बट नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम ड्यू टू द नर्वस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 12, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन लंग्स इक्वल टू, यानी कि VC इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। हालांकि टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें हम तो 500 मिलीलीटर, और IRV की बात करें तो 2500 से 3000 मिलीलीटर एयर। फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो 1000 से 1100 मिलीलीटर। और उसके बाद बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की, रेसिडुअल होता है 1100 टू 1200 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज द ब्लड इंक्रीज्ड ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर एंड डीपर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन ह्यूमंस पल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर 15, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर इज अबाउट 21%। 21%, हालांकि NCERT में 20-25 दिया है, तो अगर एग्जाम में आ रहा है 20-25 लगाना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वाल्स आर डैमेज। एल्वियोलर वाल्स डैमेज हुई ड्यू टू द विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, एम्फाइजिमा, सिगरेट स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल डिजीज आर कैरेक्टराइज बाई फाइब्रोसिस ऑफ लंग इज कॉल्ड अपर पार्ट। ऑक्यूपेशनल डिजीज लाइक एज सिलिकोसिस इज ऑल्सो आस्क ऑफ आस्किंग आस्क ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेक्स इन एंड एक्सपेल्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर टाइडल वॉल्यूम। जस्ट वन सेकेंड, पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेक्स प्लेस एक्सपेल्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल्स, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बाद में बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, when you hold your breath which of the following gas changes in the blood would first lead to the urge to breathe rising CO2 concentration? Question number 20, carbon dioxide is released during catabolic reaction, anabolic reaction, anaerobic, all of these, yani ki more than one option is correct. क्वेश्चन नंबर 21, टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, IRV
2500 से 3000 मिलीलीटर, ERV 1000 से 11, रेसिडुअल 1100 से 12, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट विद मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। क्वेश्चन 23, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मोस्ट मास्ट सेल्स इन द लंग्स। हालांकि ये अस्थमा अस्थमा का टॉपिक 12th क्लास में भी दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। क्वेश्चन 24, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में बुक लंग्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि बी और सी में से एक ही हो सकता है। फिर बात करते हैं, वे आर द रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल्स यूज गिल्स को यूज करते हैं। बात करते हैं सेकंड की, वेयर एज द रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूज बर्ड आर यूज फॉर लंग्स, मैमल्स यूज फॉर लंग्स, ट्रैकिया फॉर इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिया। इनकरेक्ट पूछा है, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज 11 टू 12 सेंटीमीटर। ओके, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू अ पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रैकिया आर इनकम्प्लीट ऑन वेंट्रल साइड नॉट डॉर्सल साइड। ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्वेश्चन 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल लंग्स कैपेसिटी। EC प्लस FRC। क्वेश्चन 27, मैमेलियन लंग्स हैव एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट मैनर्स alveoli air sacs, this is to allow more surface area for diffusions of gases. Question number 28, direct NCRT का दिया हुआ है डायग्राम, ये जो फर्स्ट दिखाया गया यानी कि ए नंबर, इसको बोलते हैं epiglottis, उसके बाद फिर इट्स नॉट फॉर क्लियर। अगर हम बात करते हैं डी की है डायफ्राम है, और फिर बात करते हैं बी की है alveoli, और फिर बात करें अगर सी की तो सी है ब्रोंकस। क्वेश्चन 29, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्ट NCRT का हुआ है, यानी कि इसमें इसको फिलअप करना है। बात करते हैं बी की, तो जो बी है पल्मोनरी आर्टरी है, जो सी है वो पल्मोनरी वेन है, उसके बाद बात करते हैं ए की, तो ए है सिस्टेमिक वेन, जो डी है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरीज। थैंक यू सो मच। हालांकि आप लोगों को वॉइस में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सहन करना, बिकॉज आई हैव लंग थ्रॉट इन्फेक्शन बिकॉज आई विल सफरिंग फ्रॉम COVID-19। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।